हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, जो कल मैं ब्लाउज काटी थी ना, तो इसे मैं सिल रही थी और मैं सोची कि चलो आधा एक घंटा लगेगा, जल्दी से इसे सिल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ के अपना ब्लाउज सिल रही थी और साथ ही साथ घर का काम भी करे जा रही थी। थोड़ा सा ब्लाउज सिल के उठ रही तो फिर कुछ काम कर ले रही हूँ, फिर ऐसी इसी तरह से मेरा अपना रूटीन चलते रहता है दिन भर का। इसीलिए ना मैं जल्दी कोई चीज़, तो इस बीच समय भी नहीं रहता जिस वजह से मैं जल्दी सिलाई का, बस वहाँ से जब सिलाई सेंटर से जब मैं आती हूँ ना शाम को, तो बस मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना रहता है सिलाई का। तो जल्दी से आप लोग देखते होंगे इस बीच का जितना भी शॉर्ट वीडियो जाता है सब मैं रात में ही बनाती हूँ, क्योंकि दिन में तो मुझे समय रहता नहीं, तो इसलिए मैं ना शॉर्ट वीडियो जितना होता है सब रात में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना जो इसका पहले जो योग पट्टी हो रहा था उसे पूरा मैं जोड़ ले रही थी, और ये ब्लाउज पीस ना थोड़ा सा छोटा था, यानी कि बस 70 या 75 सेंटीमीटर था, क्योंकि काफ़ी छोटा ब्लाउज था ना, तो जो जिस हिसाब से बन रहा था मैं उतना बना ले रही थी, क्योंकि हल्का सा मैं बस जो लंबाई होती बस थोड़ा सा एक इंच के करीब कम कर दी थी। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मेरी दाल हो गई थी, दाल रख के गई थी, तो तब मैं सोची कि दाल पलट के और इसमें मैं रख देती हूँ चावल, क्योंकि आज है तेरही, और तेरही है ना, तो फिर इसीलिए वहाँ से नाश्ता वास्ता आ गया था तेरही के दिन, तो फिर सब लोग नाश्ता वास्ता कर लिए थे, तो उसके बाद फिर रह गए थे दाल चावल बनाना। तो मैं सोची कि चलो दिन में दाल चावल बना देती, क्योंकि शाम को फिर सब लोग पूड़ी कचौड़ी ये सब खाना खाएंगे। तो उसके बाद फिर देखिए मैं वहाँ पे चावल रख के और फिर से आ गई थी यहाँ पे मैं ब्लाउज सिलने, और शिवांश प्रिंसी की हो रही है नहाने की तैयारी, तो बस वो लोग भी चल रहे हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा ब्लाउज ना, और ना अक्सर इस बीच मेरे पास साथ क्या होता है पता है, जो भी मेरे पास ब्लाउज आ रहा है ना सारा ग्रीनी कलर में आ जा रहा है। और सही बात, किसी ने कहा भी था कि आप ग्रीन कलर का ब्लाउज बहुत पहनते हो, लेकिन अब क्या करूँ, जो भी मेरे पास ब्लाउज रहता है ना सब ग्रीनी में हो जाता है। ये भी ब्लाउज देखो ग्रीन कलर का हो गया है, मतलब ये थोड़ा डार्क ग्रीन है। तो यहाँ पर चलिए मैं इसे सिल लेती हूँ, और उसके बाद फिर अभी मैं मशीन में लगाई हूँ कपड़ा, वॉशिंग मशीन में, तो कपड़ा भी मेरा वहाँ पर धुल रहा था, यहाँ पर फिर से देखिए मैं उठ गई थी। और यहाँ पे कपड़ा का मैं जो पानी 2-3 बार पानी बदल चुकी थी, ये लास्ट पानी था, तो मैं सोची इसे भी बदल के और फिर सूखने के लिए डाल दूंगी कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी लोग भी नहा धो के आ गए थे, देखिए प्रिंसी कर मम्मी कर रही थी प्रिंसी के बालों में कंघी, और यहाँ पे ना बाल धुली थी ना, तो बाल धुलने के बाद ना वैसे बाल लटकाई थी, तो मम्मी कहीं कि आओ मैं कंघी कर देती, क्योंकि मैं कर रही थी सिलाई ना, तो मैं ही ना इसके बाल में कंघी कर देती, और अभी तुरंत जैसे कंघी ना करूँ तो बहुत ज़्यादा लट हो जाते हैं बाल में। तो उसके बाद देखिए प्रिंसी कंघी मतलब हो गई थी प्रिंसी के, तो फिर से मैं बैठ गई थी अपना ब्लाउज लेके, और मम्मी लोग को मैं खाना पीना दे चुकी थी, मतलब जब दाल चावल बन गया था ना तो इनको सबको मैं खाना दे दी थी, उसके बाद फिर मैं बैठी थी ब्लाउज सिलने के लिए। तो करीब मुझे आधा घंटा और लगेगा ब्लाउज सिलने में, और सादा ब्लाउज ना बहुत जल्दी बन जाता है, अगर अच्छे से बैठो ना तो आधा पौना घंटा में ब्लाउज सिल के तैयार हो जाता, लेकिन मुझे बीच बीच में काम भी पड़ रहा था जिस वजह से मुझे समय लग रहा था, और यहाँ पे आज ना मुझे हल्का जैसे सर्दी जैसे लग रहा था। तो यहाँ पे फिर देखिए इसे भी सिल रही थी, इसमें जो भी प्लेट उलेट था सब मैं अच्छे से डाल दे रही थी, और सामने मम्मी बैठी थी तो उनसे अपना बातचीत भी चल रहा था, और साथ ही साथ ना मेरा ब्लाउज भी हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी किसी का फ़ोन आ गया था, तो बस वही मुझे दिखाने लगी थी। और ये ब्लाउज जो है ना, तो मैं जो आप लोगों को पिंक वाली साड़ी दिखाई थी उसी पर का बना रही हूँ, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इतना सुंदर बनेगा, क्योंकि पिंक वाली साड़ी ना मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यही सोच रही थी ना, पता नहीं, अब मन में कहीं ना कहीं ये डर भी था कि सील तो रही हूँ लेकिन पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, और अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर ये ग्रीन ब्लाउज का मैं क्या करूँ, क्योंकि ब्लाउज तो अक्सर पड़े रह जाता है। तो यहाँ पर पूरा होने के बाद देखिए लास्ट में रह गया था पाइपिंग, तो अब इसमें पाइपिंग भी कर दे रही हूँ। और ना यही बस आप लोग सताए ना कि मेरे मन में बस यही डर था कि कहीं ना कहीं कि ब्लाउज कैसा रहेगा, साड़ी के साथ अच्छा मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा, बहुत कुछ सोच रही थी, लेकिन फिर मैं कही चलो सिल देती हूँ, अगर नहीं इस साड़ी पे मैच करेगा तो किसी और साड़ी पे कहीं ना कहीं मैच कर देगा, नहीं तो फिर मम्मी पहन लेंगी, क्योंकि मम्मी को सादा ब्लाउज ज़्यादा पसंद रहता ना, तो इसलिए मैं कही नहीं मैं पहनूंगी तो मम्मी पहन लेंगी। तो यहाँ पे देखिए रह गया था पाइपिंग, और बस आज भर का मेरे पास और समय था, फिर कल से सिलाई सेंटर फिर मेरा चालू हो जाएगा वहाँ जाने के लिए, आज लास्ट दिन था छुट्टी का। तो यहाँ पे देखिए सब सिलने के बाद मशीन वशीन सब मैं रख दी थी अंदर, और फिर इसमें मैं लगा ले रही थी हुक, और इस ब्लाउज में मैं सारा काम मशीन से करी हूँ, काज बनाना, तुरपाई उरपाई सब करना, सारा काम
मशीन से ही करी हूँ, बस इसमें मैं हुक बार हाथ से लगा रही थी। तो यहाँ पे देखिए इसे अच्छे से मैं करके और फिर पूरा ब्लाउज देखिए मेरा इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो बस हल्का सा इसकी लंबाई छोटी थी, ये देखिए आप लोग को भी दिखाई देता होगा, और सब ब्लाउज से ना हल्का सा बस इसकी लंबाई छोटी थी, क्योंकि मैं बताई ना आपसे कि ब्लाउज पीस थोड़ा छोटा था। तो यहाँ पे देखिए मेरा ब्लाउज हो गया था। और फिर उसके बाद देखिए ये है रात का वीडियो, करीब 8-9 बजे का वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी गई थी खाना खाने, वहाँ पे पुराने घर ना, तो वहाँ से खाना ले आई थी मेरे लिए। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या खाना ले आई है मेरे लिए। तो ये भी आ गए थे ना, ये सब परोसने वाला काम करे थे, जो इस तरह से लोअर ओवर ऊपर करे है ना, क्योंकि इनको सबको वहाँ पे खाना वाना परोसना, सब आदमी लोग मिलके खाना वाना परोसते हैं। तो शिवांश तो अभी नहीं आए, शिवांश वहाँ ही पर है, तो ये आ गए थे क्योंकि इन्हें अभी भोर में जाना है, तो ये भी सोएंगे। तो बस ये भी आ गए थे, तो ये भी अपना हाथ मुँह धो रहे थे और ये चलेंगे सोएंगे। तो मेरे लिए भी खाना वही कर रहे थे, खाना बहुत अच्छा बना था, जिस हिसाब से बहुत पैसा नहीं, मतलब गरीब थे ना जो बड़े पापा थे भाई, देखिए सब अपने हिसाब से चलते, तो बस उस हिसाब से कमी में बनवाए थे। पे देखिए जो खाना ले आए थे ना, तो उसमें से मैं सब खाना निकाल के अलग कर दी, क्योंकि मैं उतना तो खाना खा नहीं सकूंगी। तो जितना मुझे खाना है ना, तो बस मैं अपने लिए उतना निकाल ले रही थी। और यहाँ पे हरी मिर्ची भी तल के, तो ये देखिए आलू गोभी मटर की सब्जी है, और ये देखने में बहुत टेस्टी लग रही थी, और ना बहुत ही अच्छी बनी भी थी, क्योंकि इसकी महक भी बहुत अच्छी है। तो साथ ही देखिए बुनिया बना है, हमारे सबके यहाँ ना जैसे कुछ होता है, जैसे शादी ब्याह या कुछ भी, तो मीठा ज़रूर बनता है। तो यहाँ पे देखिए बुनिया बना था, और साथ ही ये जो पूड़ी होती है ना, एक कराहा की पूड़ी कही जाती है, ये पूड़ी ना मतलब जैसे डबल डबल करके तेल में बस डाल के निकाल लेते हैं, और फिर बाद में इसे अलग अलग करके और खूब दबा के ना इसे डलिया या किसी चीज़ में रख देते हैं, जो एकदम ऐसी ही लगती है, और बहुत ही टेस्टी पूड़ी आती है कराहा की। तो उसके बाद फिर देखिए ये है सुबह की वीडियो, और यहाँ पे देखिए जो ब्लाउज में कल सिली थी ना, तो उसी ब्लाउज के ऊपर ये वाली साड़ी, आप लोग से बताई थी ना कि मुझे इस साड़ी के लिए ब्लाउज चाहिए, तो ना इतना अच्छा ये मैच कर रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर लगेगा। मैं बहुत डर रही थी कि ब्लाउज तैयार तो कर ली, पता नहीं कैसा लगेगा कैसा, लेकिन देखिए बहुत सुंदर लग रहा था। सामने मम्मी खड़ी थी ना, तो वो भी कह रही थी कि बहुत सुंदर लग रही है साड़ी, और जो कि काफ़ी दिन के बाद पहनी साड़ी, करीब मेरे पास 12-13 साल से है ये साड़ी, तो ऐसी रखी थी बस ब्लाउज की वजह से ना, मैं इसे कभी नहीं पहन रही थी। तो यहाँ पे देखिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है, और ये साड़ी ना काफ़ी हल्की है देखिए, और मैं इस ब्लाउज का ना बहुत गला नहीं बनाई हूँ पीछे से, देखिए कितनी सुंदर लग रही है साड़ी, आप लोग को भी देखिए एकदम मतलब बहुत अच्छा लुक आ गया था, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तो बस मैं वो ट्राई करूँ कहीं ऐसे रास्ता में जाऊँगी तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं घूंघट करके देख रही थी, क्योंकि मैं घूंघट करके ही जाती हूँ, गांव में से जाती हूँ तो काफ़ी दूर तक मुझे घूंघट करना पड़ता है। तो बस यही सब मैं देख रही थी ना, मुझे अपने आप पर ही देख के लग रहा था कि हाँ बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पर फिर देखिए मैं रख दी थी चाय, क्योंकि अब सिलाई सेंटर के भी निकलना है आज, तो यहाँ पे चाय में सोची रख दूँ, और जैसे चाय में रखने चले तो उसी समय कट गई लाइट, और लाइट करेक्ट 6:30 बजे सुबह कट जाती है। तो यहाँ पे चाय बन गई थी, फिर मैं गई मम्मी को चाय दे आई, और यहाँ पे फिर देखिए मैं अभी चाय लेके बैठ गई थी, तो ना मम्मी को चाय देने के बाद, उसके बाद फिर देखिए मैं अभी चाय लेके बैठ गई थी, और मैं फिर से ना आज अपनी थायराइड की दवा भूल गई थी, तो सबसे पहले मैं अपनी थायराइड की दवा खाई, और उसके बाद फिर चाय पी रही थी। और मैं ना बार बार ये साड़ी देख रही थी कि कितनी सुंदर लग रही है, और मुझे ना जैसे अपने आप को ही देख के लग रहा था कि हाँ मेरे पास साड़ी कितनी अच्छी, एकदम जैसे पहले वाला लुक आ जा रहा था। यहाँ पे फिर देखिए मैं खाना बना चुकी थी, खाना में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी सेकी थी। आलू टमाटर की सब्ज़ी इसलिए बनाई थी ना ताकि रोटी, अरे मम्मी भी अगर दोपहर में जैसे हल्का सा अगर चावल डालेंगे तो सब्जी के साथ खा सकेंगे, और सूखी सब्ज़ी बनाती तो चावल नहीं कोई खा सकता, और हो सकता तो अभी हमारे यहाँ जैसे परोसा भी आता है, जैसे खाना पीना आता है ना, तो हो सकता आएगा खाना, क्योंकि रात में तो नहीं आया था खाना, काफ़ी लेट हो गया था, अगर हो सकता सुबह भी खाना है, जिस वजह से मैं थोड़े खाना बनाई थी। तो उसके बाद फिर देखिए मैं भी हो गई थी तैयार, और यहाँ पे ना मैं एक पिन लगा लेती हूँ ताकि पेट दिखाई ना दे रास्ता में, और वहाँ पे भी ना सिलाई सेंटर में भी मतलब अच्छा नहीं लगता है, पेट उट दिखता है, क्योंकि भैया लोग रहते हैं ना सिर कटिंग वटिंग करने वाले, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं हो गई थी तैयार, और फिर थोड़ा सा ना बस शिवांश और प्रिंसी भर के लिए, मम्मी का मन नहीं था क्योंकि वो कचौड़ी चौड़ी खाई थी ना,
जिस वजह से उनका पेट नहीं सही था, बस इन दोनों जन के लिए मैं बनाई थी थोड़ा सा पोहा, और इसी में से मैं भी दो चम्मच ले ली क्योंकि मुझे भी ज़्यादा मन नहीं था पोहा खाने का। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं अपना टिफ़िन लगा ली थी, और अब चलो मैं टिफ़िन अपना बैग वैग में रख लूँगी और थोड़ा सा जो पोहा है दो चम्मच के करीब बस एक खा लूँगी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी निकलने की तैयारी। और सच में ना पुरानी रखी हुई चीज़ को अगर हम लोग चाहे तो नया लुक देख के अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि येलो और पिंक के साथ ना ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा था। तो लीजिए आप लोग भी पोहा खा लीजिए। और चलिए दोस्तों अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।